सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है। फटाफट से कॉफी पी रहा हूँ मैं अपनी, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, मजाक नहीं, सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मैंने लगवा लिया और मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, अपने लिए नहीं, इसके लिए, इस लैपटॉप के लिए, इस गधे के लिए, चल नहीं रहा है ना, दिखवाऊंगा क्या मामले इसके, एक बार ना फिर से मैं सोचूं चला के देख लेता हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं लेके गया था ना तो ये यहाँ पे घर पे नहीं चल रहा था, वहां जाके फटाफट चल गया एकदम से उनके सामने की, अरे देखो मैं तो एकदम ठीक हूँ, ऐसी है इसका भी मैंने मामला देखा है। अब अगर ये घर पे अभी ही चल गया तो शायद मैं ना ही जाऊं, क्योंकि वो फिर कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं आपके लैपटॉप में। चलो ये तो यही चल गया है भाई, ये चल गया, कल ये पूरा दिन नहीं चला, पूरा दिन नहीं चला ये, मतलब सुबह से लेके रात तक मैंने ट्राई किया, ये चला ही नहीं और अब ये एकदम से चल गया है। मुझे लगता है मुझे लेके जाना चाहिए और दिखा देना चाहिए और उनको वीडियोस भी दिखा देनी चाहिए कि ये नहीं चलता है, मतलब बट पहले भी ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ये ऐसे थोड़ी ना मैं इसको लेके बैठूंगा कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है ना कि मुझे भरोसा होना चाहिए भाई कि ये मेरा साथ देगा, तो लेके चलते देखते हैं क्या सीन रहता है। फिलहाल तो सर एकदम चल चुके हैं भाई साहब, सर ने कहा मेरे को फिर डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, मैं तुम्हें चल के दिखा देता हूँ अभी फटाफट से। अब जब मैं पूरा तैयार हो ही चुका हूँ, देखो बस जैकेट पहननी है मैंने ऊपर से, तो लेके चल ही लेते हैं इसे। एक तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, या तो मैं किसी गलत टाइम पे उठ गया, एकदम सही टाइम पे नहीं उठा, थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट उठता तो शायद नहीं होता, पता नहीं क्या रीजन है, पर सर में दर्द हो रहा है। एकदम बढ़िया हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, ठंड हो रही है, लेकिन मेरी ये इतनी बढ़िया जैकेट है जिसमें मुझे कोई ठंड नहीं लग रही है। जैकेट तो बहुत बढ़िया है, वहां तो कोई ठंड नहीं लग रही, लेकिन मेरे तो मुंह पे ही हवा लगे चली जा रही है ठंडी ठंडी, मेरा मुंह ही जम गया है पूरा। चलो एप्पल स्टोर भी आ गया, मैं कांच की सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये इनका जीनियस बार है ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ सब लोग आते हैं फिर सही करवाते हैं चीजें, क्या बढ़िया व्यू है। पता नहीं मेरी चांस कब आएगी भैया, कब आएंगे, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक तो लैपटॉप भी चल गया है ना, तो मैं तो मुझे तो साबित करना पड़ेगा ना भाई कि ये नहीं चल रहा था। चलो मैं वीडियोस है कल की, मैं वीडियोस दिखा दूंगा कि ये सीन आ रहा था। उन्होंने फिर से डायग्नोस्टिक करके देख लिया, सब कुछ सही आ रहा है, तो अब मुझे इसका बैकअप लेना पड़ेगा आईक्लाउड पे और फिर इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, फिर दोबारा डलेगा तो शायद सॉफ्टवेयर इशू होगा, लेकिन अगर फिर भी कभी प्रॉब्लम आती है तो हार्डवेयर इशू होगा, तो अब पता नहीं। ऑलराइट गाइस, लंबा काम हो चुका है, अब घर जाके आज का ब्लॉग कल का ब्लॉग दोनों एडिट करके अपलोड कर दूंगा, उसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट सामान उसको हार्ड डिस्क में भी डाल लूंगा, उसके बाद मैं पूरे मैकबुक का आईक्लाउड पे बैकअप लूंगा जिसमें 2-3 घंटे लगेंगे, उसके बाद सेटअप एज न्यू मैकबुक करूंगा जिसमें और 2 घंटे लगेंगे, तो वो सब करना पड़ेगा। और वो कह रही है कि अगर मान लो हार्डवेयर का इशू हुआ तो या तो देखो हार्डवेयर की जो भी चीज है वो उसको सही करके देंगे, उसमें और 200-300 डॉलर 400-500 पता नहीं जितने भी चीज होगी उतने डॉलर लग सकते हैं, या फिर तुम ट्रेड इन कर सकते हो, ये वाला जो मेरा लैपटॉप है इसकी ट्रेड इन वैल्यू $555 आ रही है अभी के लिए, तो मैं कोई भी नया मैकबुक लूंगा तो मुझे उसमें $555 का ऑफ मिल जाएगा। मैं अगर नया मैकबुक लूंगा अभी तो भी मैं मैकबुक प्रो लूंगा 16 इंच वाला, सबसे ज्यादा अच्छे वाले टाइप का, तो वो खुद ही $2,500 का आएगा, देखते हैं अभी टारगेट आ गया हूँ मैं बोरिंग चीजें लेने के लिए, वही ब्रेड दूध टमाटर। अब आ गए हैं घर वापस, सबसे पहले तो भाई वो मेल वाला काम करूंगा जो कल करना था, बिकॉज यू नो समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग अप, वो पहले उसकी एप्लीकेशन, ये वो ड्रामा जो सब भी है, मतलब मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, वो सब करूंगा। सो द टाइम करंटली इज 4:20 और अब बहुत सारे काम एक साथ करने का वक्त आ चुका है, तो शुरू करते हैं। वक्त हो रहा है 4:47, वो काम मैंने कर लिया है, अब मैं कुछ खा लेता हूं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है यार, तो जरा खाना खा, चप्पल की उतर गई मेरी। दिलजीत का नया गाना सुन रहा हूँ भाई मैं तो, बस इससे ज्यादा नहीं सुना सकता, जरा कॉपीराइट का चक्कर रहता है ना, पता नहीं इतने में भी आ जाए या ना आ जाए। किसी ने कमेंट किया था कि उसको सीखने की स्क्रैम्बल्ड एग्स कैसे बनते हैं, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग्स इतने आसान थे कि मैंने सोचा मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स तो क्या ही, अरे यार गाना चल रहा है पीछे। एक तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने तुम्हें कई चीजें दिखाई है कि ये ऐसे बनती है ये वैसे बनती है, क्योंकि मुझे लगा वो मैं भी पहली बार बना रहा था और वो चीजें भी ऐसे टाइप की थी, तो मैंने सोचा ये दिखा देनी चाहिए, पर स्क्रैम्बल्ड एग्स में तो मुझे कभी ऐसा कुछ लगा नहीं दिखाने लगा, तो इसमें तो क्या ही करना होता है भाई, अंडे लेके इसमें तोड़ दो पहले, बढ़िया करके इसे गुटर फुटर कर ही लिया है हमने, बस ये इसमें चला जाएगा ऐसे, पहले मैं जरा ज्यादा रखता हूँ मिर्च मसाला जरा, फिर अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये ऑमलेट बन जाएगा बेसिकली, अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया और इसको टर्न कर दिया तो हमें क्या करना है, इसको गुटरू पुटरू करते जाना है, थोड़ा सा बनेगा ये, इसको ऐसे हिलाते चले जाओ, गुटरू पुटरू गचड़म बचड़म कर दो इसको एकदम, इसके अंदर आदमी जितना अनऑर्गेनाइज हो सकता है उतना अनऑर्गेनाइज होकर बस डिस्ट्रक्शन फैलाना है हमें अंडे के साथ में, फिर जब ऐसे फील आए यू नो गोल्डन ब्राउन हो जाए बनने वाला है, इस पे चाट मसाला डालेंगे फिर से मिक्स। कुछ लोग तो देखो ये स्क्रैम्बल्ड एग्स वगैरह जो है वो सीधा ही इसमें अंडा डाल के बस उसमें
सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के खा लेते हैं, कोई मसाला वसाला कुछ नहीं डालते, अच्छे से बनाते भी नहीं है, यू नो येलो और व्हाइट मिक्स होता है। मेरा तो भाई प्रॉपर कुक्ड होता है, एकदम इंडियन स्टाइल भुर्जी है मेरी, स्क्रैम्बल्ड एग है ही नहीं भाई, ये भुर्जी है। ध्यान से देखो भाई, मसाला दिखेगा ये अगर स्टीम हटे तुम्हें, तो मसाला देखेगा देखो एक एक पीस। वाह बेटे वाह, अपनी ब्रेड रेडी हो चुकी है, क्या बढ़िया एकदम टोस्ट हो गई है ये। ऑल डन विद द खाना पीना, नाउ बैक टू वर्क। फटाफट से एक व्लॉग एडिट करता हूँ, फिर दूसरा व्लॉग एडिट करता हूँ, फिर दोनों व्लॉग्स को अपलोड पे लगाता हूँ, और उसके बाद ये लैपटॉप का जो भी करना है वो सब करते हैं। मैं अभी व्लॉग ही एडिट कर रहा हूँ यार, मैंने ना हार्ड डिस्क लगाई थी क्योंकि मुझे इसमें से क्लिप्स चाहिए कुछ जो मुझे ये वाले व्लॉग में यूज करनी थी, लेकिन उस चक्कर में मैंने हार्ड डिस्क खोली तो फिर मैं उस गली में घुस गया जिसमें मैं पुरानी फुटेज देखने लग गया, और फिर कब आधा घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं पहला व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, जिसके बाद दूसरा व्लॉग भी एडिट करना है, तो काम बहुत है, उस हिसाब से डिसिप्लिन की कमी हो गई बीच में। शिट, कोई बात नहीं, वापस काम पे लगते हैं। 7:30 बज रहे हैं भाई, सर में दर्द हो चला जा रहा है, एक व्लॉग एडिट कर दिया है मैंने, अभी रेंडर हो रहा है, थंबनेल बना के अपलोड पे लगाऊंगा, फिर दूसरा करूंगा, लेकिन दवाई खा लेता हूं क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, अब जब हो ही चले जा रहा है, काम तो नहीं रुक सकता ना यार, ये थोड़ी बैठ जाओ आराम से बैठ लेटे हैं भाई, सर दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। 9:38 हो रहे हैं फिलहाल, खाना सोचा था बनाऊंगा पर अब तो खाना भी मुझे नहीं लगता मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो टाइम ही नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या ही किया जा सकता है, कुछ ऐसे ही देखना पड़ेगा, कुछ अटरम शटरम। ऑलराइट, सो नाउ द टाइम इज करंटली 10:34 एंड नाउ आई एम ऑफिशियली डन विद ऑल द वर्क दैट आई हैड टू डू, आई हैव अपलोडेड टू वीडियोस, काफी अंग्रेजी हो गई लेकिन ऐसे ही, मेरा कभी कैसे होता था कभी कैसे होता है। अब फाइनली इस लैपटॉप को बैकअप करना है, तो करते हैं ये काम भी, लगाता हूँ इसको और फिर कुछ खाता हूँ बढ़िया सा। आई क्लाउड पे बैकअप करूंगा मैं तो, आई क्लाउड ले रखा है ना हमने।